दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बिल्लू का केक। कॉमेडी कॉमिक्स है बिल्लू की, जानते हैं आप तो पढ़ते हैं इसको। बिल्लू का केक। बीवी जी बाजार से क्या सामान लाना है? भिंडी, आलू, गोभी, बैंगन, चाय, मक्खन, ब्रेड और केक। नथु का चला, जरूरी बात तो तुमने सुनी नहीं। दूसरा सामान चाहे जिस दुकान से लेना, मगर केक बिल्लू कन्फेक्शनरी से ही लेना, समझ गया? बिल्लू, क्या मेरा बर्थडे केक तैयार है? बिल्कुल जोजी, तुम कितने वर्ष की होगी? लड़कियों से उम्र नहीं पूछते। साहब आइए, हमारे यहाँ ताजे और सस्ते केक मिलते हैं। गुपचुप कन्फेक्शनरी। नहीं, मैं उस दुकान से लूंगा। पहले मैंने एक बार वहां का बना केक खाया था, अब तक उसे नहीं भूला। जाम जाम, ऐसी क्या बात है कि सारे ग्राहक सामने की दुकान पर जाना पसंद करते हैं? वहां के केक लजीज होते हैं। लेकिन जाम जाम बिक्री न हुई तो हमारा दिवाला पिट जाएगा। गुपचुप जी, सेल बढ़ाने के लिए कोई स्कीम शुरू कर दो। हर केक के साथ फ्री गिफ्ट दो। देखे, लोग मक्खियों की तरह हमारी कन्फेक्शनरी पर टूट पड़ेंगे। तुमने हमारा बनाया केक खरीदो, एक चिकलेट का पैकेट मुफ्त। जब केक की बेस्वाद हो तो चिकलेट का क्या करूंगी? इसीलिए मैं बिल्लू का केक खरीदूंगी। तुम्हारी योजना नाकामयाब साबित हुई। हमें कुछ और करना चाहिए, नहीं तो अपने सारे केक और पेस्ट्रियां भैंसों के आगे डालनी पड़ेगी। क्यों ना हम बिल्लू के बावर्ची को फुसला लें, वे हमारे केक बनाएगा। क्या ऐसा संभव है? पैसा क्या नहीं कर सकता? बिल्लू कन्फेक्शनरी की भट्टी पीछे की तरफ है। भट्टी का दरवाजा बंद है लेकिन खिड़की खुली है। सिट्टी। गब्दू, तुम कितने अच्छे बावर्ची हो, यह 5,000 रुपए रखो। गपचप जी, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम बिल्लू की नौकरी छोड़कर मेरे केक बनाने शुरू कर दो तो क्या होगा? मेरे केक भी लजीज बनेंगे, वह स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस भट्टी में एक दर्जन बावर्ची काम करते हैं। जब केक बनाने होते हैं तो बिल्लू इनमें से किसी एक को केक बनाने की विधि बताता है और वह उन्हें पकाता है। जाम जाम, भाड़ में जा तू और तेरी योजनाएं। बस काम बन गया। बिल्लू, जब केक बनाने की सामग्री पर अपने बावर्ची को लिखवाए, तुम छुप कर उसे लिख लो। एक बार भी दिखा पता चल जाए, हम अपने केक उसी तरह से बनाएंगे। ऐसा मौका कब आएगा? अभी देखो, प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर बांग बांग उन्हें केक का ऑर्डर देने आया है। उसके जाते बिल्लू अपने बावर्ची से केक बनाने को कहेगा। ओ श्रीमान बांग बांग, आपकी फिल्में कितनी हिट होती है, मगर तुम्हारे केकों से ज्यादा नहीं। अब हमारे लिए केक का ऑर्डर लिखो। स्लो ड्राइवर। अब बिल्लू भट्टी में जा रहा है। अब बिल्लू भट्टी में जाकर अपने बावर्ची को आदेश देगा। रसीद में यह केक तुम बनाओगे, सामग्री लिख लो और जो जो वह बोलता गया मैंने सब लिख लिया। हुर्रे, आखिर कामयाबी मिली। आइए साहब, हमने अपने केक उसी सामग्री से बनाए हैं जिसे बिल्लू बनाता है, और आधे दाम में। अच्छा, एक दे दो। हम इन्हें खाने का मोह रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए यही खाएंगे। आथू आओ, इतना खराब केक तो जानवर भी न खाए। मैं हार गया बिल्लू, मैंने अपने केक तुम्हारी विधि से बनाए, फिर भी लोगों ने उन्हें थूक दिया। ऐसा क्यों हुआ, जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ। वह केक डायरेक्टर साहब की कॉमेडी फिल्म के लिए बनाए थे, ऐसे केक असली नहीं होते। ये एड है, हाजमोला कैंडी का एड है। ओल्ड। बिजली का बिल। आज दफ्तर जाने में देर हो गई। नाश्ता तैयार है? नहीं प्रिय, मुझे दफ्तर जल्दी पहुंचना है। यह कागज कैसा मेज पर पड़ा है? यह तो बिजली का बिल है, इतने दिनों से पड़ा है मगर किसी को इस तरफ ध्यान नहीं आया। आज बिल चुकाने की आखिरी तारीख है, यह काम कौन करेगा? मुझे तो दफ्तर जाना है। पापा, बिजली का बिल मैं चुका दूंगा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हें खेल कूद से समय मिल जाएगा। तुम तो मेरे बेटे को यूं कोसते रहते हो, यह वह तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहता है।
ठीक है, मगर बरकुदार याद रखना, अगर आज की तारीख में बिल का भुगतान नहीं हुआ तो घर की बिजली कट जाएगी। आप बेफिक्र रहिए पापा जी, बाय। मम्मी मैं बिल जमा कराने जाता हूँ। जॉर्जी कहाँ से आ रही हो? बिलू में माइकल जैक्सन, मैडोना, समांथा फॉक्स और शेरोन पर भागर के कैसेट खरीद कर लाई हूँ। काश मुझे इन मशहूर गायकों का संगीत सुनने को मिलता। तुम मेरे घर चलकर सुन सकते हो। कहा, मेरी किस्मत में तो बिजली का बिल देने वालों की लाइन में खड़ा होना लिखा है। निराश न हो, दफ्तर बंद होने में भी काफी समय है, तब तक तुम मेरे घर चलकर इन नए कैसेट के संगीत का आनंद ले सकते हो। देखो बहरा मेरा घर, अंदर चलो। मैंने 2-in-1 में कैसेट डालकर बटन दबा दिया है। नाचना शुरू हो गया और पॉप म्यूजिक काफी देर तक चलता रहा। पड़ोस में ताई फीफी, इस शोर से मेरा सिर फटने लगा है। जो जी संगीत धीरे करो। क्या क्या कहा फीफी ताई? 2-in-1 बंद कर दिया जाता है। था आपको म्यूजिक की वॉल्यूम अगर कम होगी तो पड़ोसियों को परेशानी नहीं होगी और तुम्हारा बिजली का बिल भी कम आएगा। बिजली का बिल, मर गए। मैडोना और माइकल जैक्सन के चक्कर में मैं बिजली का बिल जमा कराना भूल गया। हमें 5वीं मंजिल पर पहुंचना है। लिफ्ट के आने का इंतजार नहीं कर सकता, सीढ़ियों से चलो। ओह, सीढ़ियां चढ़ते हुए दम फूलने लगा है। कैश काउंटर बंद। ओह, जिसका डर था वही हुआ। बिल जमा नहीं करा पाए, मैं अपने पापा के सामने कैसे जाऊंगा? मैं घर नहीं जाऊंगा, पापा की मुझे डांट पड़ेगी। बिल्लू, यह सब मेरे कारण हुआ, मैंने तुम्हें संगीत सुनने के लिए रोक लिया था। मुझे भूख लगी है, रात हो गई, तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हारे पापा से मैं माफी मांग लूंगी। ठीक है चलो। हमेशा घर में अंधेरा। बिल अदा न करने के कारण हमारी बिजली काट दी गई। बिल्लू, तुम्हारे पड़ोस के घर में भी अंधेरा है। सारे मोहल्ले में अंधकार, कहीं बिजली नहीं जल रही, लेकिन मेरे बिल न देने से सारे ब्लॉक को क्यों सजा दी गई? बेटा, मैं अपने दफ्तर से बिजली घर गया, वहां से डुप्लीकेट बिल बनवाया और पैसे जमा करा दिए। मैंने तुम्हें जोजी के साथ जाते देख लिया था। फिर यह अंधकार, वह पावर ब्रेक डाउन था, अब बिजली आ गई है। मगरमच्छ से बैर, मिस्टर डायनामाइट, तुम्हारे साथ दिलचस्प समय बीता। जोजी, आज शाम को मेरा शो देखने आना। ताकत क्या कर इसमें, मैं जरूर आऊंगी बॉय। जोजी, क्या आज शाम तुम मेरे साथ फिल्म देखने चल सकती हो? बिल्लू, अफसोस है, मैं नहीं जा सकती। मैं आज शाम मिस्टर डायनामाइट के करतब देखने जाऊंगी। मैंने फिल्म के 2 टिकट खरीदे हैं, एक अपने लिए और दूसरा तुम्हारे लिए। डायनामाइट में ऐसी क्या बात है कि तुम उसके लिए मुझे ठुकरा रही हो? वह दिलेर और शक्तिशाली इंसान है। देखो, भारी भरकम रोलर उसके ऊपर से गुजर जाता है, फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आती। मैं भी भारी भरकम हाथी को अपने ऊपर से गुजार सकता हूँ। एक बार 4 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे, तभी डायनामाइट आ गया और उसने सबके दांत खट्टे कर दिए। यह कुछ नहीं, मौका पड़ने पर मैं 8 बदमाशों, जिनमें तुम्हारा डायनामाइट भी शामिल है, की हड्डियां कटका सकता हूँ। चूहे, आज आओ देखते हैं कौन किसकी हड्डियां तोड़ता है। बिल्लू, यह मिस्टर डायनामाइट है। अरे, मुझे घर पर कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। नहीं, तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा और सिद्ध करना होगा कि तुम मेरी हड्डियां कटका सकते हो। पहलवान, भूल जाओ, वह कोरा मजाक था। अखाड़ा बजरंगी, पहलवान बचाओ, मैं मुसीबत में हूँ, डायनामाइट मेरे पीछे पड़ा है। हो, बिल्लू, तुझे मुसीबत में देखकर मैं क्या बड़ा खुश हूँ। बजरंगी, बेशक हम दोनों की नहीं बनती, लेकिन जब बार का कोई तीसरा हम में से किसी पर हमला करने आ जाए तो मैं एक हो जाना चाहिए। तुम ठीक है तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही है डायनामाइट, मैं इसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। धड़ाक, और मुझे नीचे उतारो। चौक, दब, नगर निगम कूड़ेदान, भागो। शुक्र है इस मकान का दरवाजा खुला है।
अंदर से बंद कर देता हूं, अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धड़ाक, दुनिया का कोई दरवाजा डायनामाइट को रोक नहीं सकता। एक कदम आगे बढ़े तो यह आटे की बोरी दे मारूंगा। ढप, इससे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पीछे के दरवाजे से निकल भागना चाहिए। ओह, मेरी सांस फूल गई है और नहीं भाग सकता। कंक्रीट के खंभे की आड़ लेना भी नकारा सिद्ध होगा। मैं खंभे को गिराने जा रहा हूं। धड़ाक, गुम, आओ देखूं उस मुकाबले का अंजाम क्या निकला। बिल्लो, तुम्हारे हाथों डायनामाइट की यह हालत हुई। सचमुच तुम ताकतवर हो और दिलेर हो। मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने चलूंगी। आलू चिप्स, शंभू, महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल, सब्जी, कपड़ा महंगा हो गया है। मकान का किराया, टेलीफोन का बिल, रेल का भाड़ा और धोबी के दाम बढ़ गए हैं, मगर मेरे पापा की तनख्वाह जहाँ की तहाँ है। मगर बिल्लू, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पापा ने खर्च में कटौती शुरू कर दी है, मेरा जेब खर्च घटा दिया है। क्या तुम्हारे पिताजी की तनख्वाह बढ़ी है? नहीं, इसका मतलब है कि मेरे पिताजी भी मेरा जेब खर्च कम करेंगे। हमें कुछ करना चाहिए जिससे हमारे जेब खर्च की कटौती पूरी हो सके। रुको, मैं आलू के चिप्स का एक पैकेट लेकर आता हूं। आलू का पैकेट कितने का है? 6 रुपए का। कल से दाम बढ़ने वाले हैं। हाँ, हम किस विषय पर बात कर रहे थे? कुछ करे ताकि हमें पैसे आए। कद्दू हलवाई, इतनी बड़ी कढ़ाई कहां से ला रहे हो? वह फैक्ट्री का मालिक आलू के चिप्स तलने वाली कढ़ाइयां और भटिया बेच रहा है। मैंने एक खरीद ली, बिका हुआ है। क्या आप चिप्स का उत्पादन बंद कर रहे हैं? हाँ, उत्पादन बंद होने से आलू के चिप्स महंगे हो जाएंगे। उस दुकानदार ने भी इस तरफ इशारा किया था। वापस जाकर हम उस दुकान के सारे चिप्स खरीद लेते हैं। हम चिप्स के सारे पैकेट खरीदते हैं। हमें इन्हें हम जमा करके रखेंगे। जब इनके दाम बढ़ेंगे इन्हें बेच देंगे। इस तरह हम अतिरिक्त पैसे कमाएंगे। 2 दिन बाद बिल्लू के चिप्स के भाव बढ़े, अभी पता करते हैं। हेलो, अच्छे आलू के चिप्स के का क्या भाव है? 10 रुपए प्रति पैकेट। 2-4 रुपए प्रति पैकेट मुनाफा हो रहा है। कुछ दिन और रुकते हैं, तब यह आलू के चिप्स सोने के भाव बिकेंगे। 10 दिन बाद भाव काफी बढ़ गए होंगे, चलकर चिप्स बेचते हैं। आज ही काफी स्टॉक आया है, भाव गिर गया है। 3 रुपए प्रति पैकेट। क्या? फैक्ट्री के मालिक ने कहा था कि उत्पादन रोक रहे हैं, फिर यह बंपर स्टॉक कहाँ से आया? चलकर उससे पूछते हैं। बेशक मैंने उत्पादन रोकने की बात कही थी, पर कुछ दिन तक पुरानी कढ़ाइयां और भटिया बेचकर चिप्स बेलने वाली मैंने आधुनिक मशीनें लगा दी है, उत्पादन बढ़ गया है। ट्रॉली निराली, पर्वतारोहण का अपना ही लुत्फ है। मक्खन, कोई स्कीम सोचो जिससे कमाई हो। वही कर रहा हूं। बालजाल, वह छोकरा शायद पहाड़ पर चढ़ने की सोच रहा है, आओ उससे कुछ पैसे ढीले करें। बालक, क्या चोटी पर जाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, उस साथ बाल जाल से ट्रेनिंग तो ले लो। आप स्विट्जरलैंड लैंड के पर्वतारोहण कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं। फीस सिर्फ 100 रुपया। लेकिन 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 कुछ नहीं, जिस तरह संगीत या नृत्य में बिना गुरु के कुछ नहीं सिखा जा सकता, उसी तरह तुम बगैर शिक्षा के चोटी तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन मैंने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ले रखी है। गुड बाय। पर हमारी उच्च शिक्षा से तुम जल्दी चोटी पर पहुंच जाओगे। मैं बिना आपकी मदद के वहां पर जल्दी पहुंच सकता हूँ। नामुमकिन, शर्त लगाते हो? हारने वाला जीतने वाले को 100 रुपया देगा। मंजूर है, आओ चढ़ाई शुरू करते हैं। तुम चढ़ाई नहीं कर रहे, तुम बच्चे हो, इसलिए प्रिंसिपल बालजोल देर से चढ़ाई शुरू करेंगे और तुमसे पहले चोटी पर पहुंचेंगे। मक्खन, तुमने मरवा दिया वह लड़का, कहीं शर्त जीत न ले। कभी नहीं, तुम्हें ट्रॉली से भेजने की मेरी योजना है। मैं ट्रॉली स्टेशन के चौकीदार को खिसकाता हूँ, आओ। गंग बम लो, 10 रुपए।
बाजार से छोले भटूरे लाओ, दोनों खाएंगे। बालचाल आओ, चौकीदार के लौटने से पहले पहले तुम ट्रॉली में बैठकर 9 to 11 हो जाओ। बाय, वह छोकरा चोटी पर घंटों में पहुंचेगा जबकि तुम मिनटों में। छोले भटूरे ले आया, अरे ट्रॉली कहाँ गई? मेरा साथी उसमें बैठकर गया है। सत्यानाश, वह ट्रॉली कई महीनों से नहीं चली है। ट्रॉली की तार में जगह जगह जंग लगाए, वह रास्ते में कहीं भी अटक सकती है। हैं, ट्रॉली क्यों रुक गई? कमबख्त मक्खन, तुमने मुझे फंसा दिया। मैं चोटी पर पहुंच गया मगर पर्वतारोहण कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब बालजाल दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नीचे उतर कर देखता हूं। महाशय, मैं शर्त जीत गया, यह मुकाबला रद्द माना जाएगा क्योंकि हमारा प्रतियोगी कहीं अटक गया है। उसे कोई जल्दी जरूरी काम पड़ गया होगा। मुकाबला दोबारा होगा। बालचाल की अनुपस्थिति में कौन चोटी पर चढ़ेगा? मैं। आप खड़े क्यों हैं? तुम बच्चे हो, कुछ दूर तक फासला तय कर लो, फिर मैं चढ़ाई शुरू करूंगा। वह गया, अब मैं अपनी चाल चलू। दोस्त पायलट यान, आज तेरे हेलीकॉप्टर की जरूरत है। मक्खन दोस्त, जहां को मैं तुम्हें ले चलू। पायलट पान, मुझे उस पहाड़ की चोटी पर उतारने में कितनी देर लगेगी? सिर्फ 5 मिनट। चोटी आ गई, मैं उतरता हूं। धन्यवाद, मैं पहले पहुंचा। ओह, तेज हवा का झोंका, तभी धड़ाम। जनाब, आप प्रतियोगिता जीत गए, मैं 100 रुपये देने आया हूं। किस हाथ से लूं? दोनों हाथों में प्लास्टर चढ़ाए। शुभ आगमन। काओ काओ। ओ, कमबख्त ने दोपहर की नींद खराब हराम कर दी। काओ, चल उठ जाए यहां से। काओ काओ, बजरंगी पहलवान, कौवे को पत्थर क्यों मार रहे हो? कोयल और मैना की आवाज कानों को मधुर लगती है, मगर आवारा कौवे की सूल जैसी कानों को चुभने वाली आवाज कौन सुनना चाहेगा? लेकिन कौवे का घर की मुंडेर पर बोलना किसी प्रियजन की आमद की सूचना माना जाता है। क्या यह सच है? बिल्कुल, आज कोई तुम्हारे घर जरूर आएगा। कौन हो सकता है? मेरे गुरुजी हो सकते हैं, जिन्होंने मुझे पहलवानी के दांव पे सिखाए। बिल्लू धन्यवाद, अगर कौवा मुझे न जगाता तो मैं सोया रहता और मेरा उस्ताद रुस्त में जमा पहलवान बम बम आकर लौट जाता। मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। लंबे सफर के बाद उन्हें भूख लगेगी, इसलिए मिठाइयाँ और फल मेज पर सजा दूँ। यह हार लेकर मुझे अपने गुरु के स्वागत के लिए यहाँ खड़ा हो जाना चाहिए। सुनते हो, खिड़की बंद कर दो। क्यों? नेता डंठल मंटल चुनाव के लिए चंदा मांगने आ रहा है। बाप रे, डंठल मंटल, दरवाजा बंद कर दूं? कहीं वह चंदा ने मांग बैठे। नेताजी चलते चलते चप्पलें घिस गई, मगर अभी तक चंदे की एक रसीद नहीं कटी। पॉलिटिक्स में धैर्य पहली महत्वपूर्ण चीज है। भूख से पेट ढोल की तरह बजने लगा है। देखा, मैंने कहता था कोई ना कोई हमारा कदरदान अवश्य मिलेगा। वह हार लिए हमारे स्वागत के लिए खड़ा है, या हमारे खाने पीने का भी इंतजाम है। बजरंगी पहलवान के नाम चंदे की 501 रुपए की रसीद काटो। अब अगर कोई कौवा मेरी छत पर बोला तो बंदूक से मार डालूंगा। लाल कपड़ा, बेटा अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए भारी हैं, तुम्हें चोट पहुंच सकती है। कोई उपाय? अगर चोट से बचना चाहते हो तो लाल कपड़े पहने हुए व्यक्ति से दूर रहो। चोट में दर्द बहुत होता है, मैं सह नहीं सकूंगा। जो जी, मेरा कल इम्तिहान है, मुझे एक एलजेब्रा का सवाल नहीं आता, जरा समझा देना। अनुराग, यह प्रश्न मुश्किल है, अगर अगर इसे कोई हल कर सकता है तो वह बिल्लू है। ठीक है बिल्लू दोस्त, अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गए। एक प्रश्न हल कर दो। लाल कमीज, अरे कन्नी कतरा रहे हो, याद है एक बार मैंने तुम्हें इतिहास के सारे नोट्स दिए थे? यह बात नहीं है अनुराग, ज्योतिषी ने मुझे लाल कपड़ा पहने हुए व्यक्ति से बचने को कहा है।
ठीक है, मैं अपनी कमीज उतार देता हूं, अब तो तुम मेरे करीब आ सकते हो, मैंने तुम्हारा एलजेब्रा का प्रश्न हल कर दिया, धन्यवाद। बिल्लू, मैं तुमसे दुश्मनी खत्म करना चाहता हूँ, अंदर आओ, मेरे साथ गले मिलो और नाश्ता करो। नट्टू, अच्छा ख्याल है, मैं आता हूँ। लाल निकर, वह डर कर ऐसे भागा जैसे कोई भूत देखा हो। बिल्लू, स्कूल के सारे विद्यार्थी पेड़ काटने के खिलाफ हस्ताक्षर इकट्ठे कर रहे हैं ताकि पर्यावरण मिनिस्टर को विज्ञापन दिया जाए, तुम भी दस्तखत करो। मोनू, इसके नेक काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोनू, लाल जुराबे पहने हैं, कहाँ भागे जा रहे हो तुम? स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे हस्ताक्षर जरूरी हैं। शुक्र है अभी तक मैं उनसे बचने में कामयाब रहा जिन्होंने लाल कपड़े पहने थे। धड़ाक, आओ, तुम ढोंगी हो, लाल रंग के कपड़ों से बचने के बावजूद मुझे चोट लगी, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई। अपनी कमीज के बटन खोलो, तुमने कमीज के अंदर लाल बनियान पहन रखी है। तो दोस्तों, एक कमीज यहीं पे समाप्त होती है, और मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ। और अगर आपको कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।